Hello friends, again welcome to my video. So today I'm going to make a small squirrel in a small paper. So without wasting any moment, let's get into the video. First of all, I am drawing the basic outline. After that, we will focus on coloring. Now I am applying water. After that मैं थोड़ा सा white color apply करूँगी and then blue and white को मिलाकर lighter blue color का shade लगाऊँगी squirrel में. Right now we will not focus on detailing at all, बस थोड़ा सा light and shadows को देखते हुए basic coat apply करेंगे. So after applying the basic coat, अभी उसे थोड़ा dry होने के लिए छोड़ देते हैं and background पे focus करते हैं. नीचे grasses बनाने के लिए पहले मैं green color का use करूँगी, उसके बाद yellow color का. Now it's time to focus on detailing. अभी grey color से मैं squirrel की hair को बनाऊँगी. तो hair को बनाने के लिए बस आपको simply थोड़ा छोटा छोटा स्ट्रोक्स मारने हैं. सिंपली बेसिक कोड में हमने जिस जिस जगह जहाँ जहाँ जो भी कलर अप्लाई किया था उसी जगह उसी कलर को यूज़ करके हमें स्ट्रोक्स मारने हैं. बस हेयर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए वो आपको ध्यान रखना होगा एंड देन उसी डायरेक्शन में ही आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं. Shadows place पे darker brown का use करें and जहाँ जहाँ भी आपको light करना है वहाँ पर yellow या तो lighter brown का use करें. Squirrel के white हेयर वाले एरिया पे अगर आप डायरेक्ट वाइट कलर का यूज़ करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, इसलिए पहले लाइट ब्लू एंड ग्रे कलर को यूज़ कर लीजिए. थोड़ा बहुत स्ट्रोक मारिए, उसके बाद जब आप वाइट कलर को अप्लाई करेंगे देन उसकी हेयर अच्छे से विजिबल होगी. स्क्वायरल के वाइट हेयर वाले एरिया कंप्लीट होने के बाद हम सेम टेक्निक से उसके राइट लेग के हेयर को भी बनाएंगे.
By using the same trick, we have to make the tail of squirrels as well. Now it's time to make the grass. और ग्रास बनाने के लिए भी हमें स्ट्रोक्स ही लगाने होंगे। तो सामने वाले ग्रासेस डार्कर दिखेंगे, इसीलिए हम इसे डार्कर ग्रीन की मदद से बनाएंगे एंड जितना पीछे जाएंगे उतना ही लाइट करते करते जाएंगे। तो अभी स्क्वायरल की पूंछ अच्छी तरीके से ड्राई हो चुके हैं एंड देन अभी हम फिर से उसके डिटेलिंग पर ध्यान देंगे। पूंछ के बीच वाले हिस्से में मैं डार्क ब्राउन का यूज़ कर रही हूँ एंड उसके धार में लाइटर ब्राउन एंड विलो का। नाउ आई एम मेकिंग स्क्वायरल्स माउथ यूजिंग लाइट रेड कलर। और के बीच वाले एरिया पे मैं येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद वाइट कलर से उसे ब्लेंड कर देंगे। उग जाने के बाद येलो एंड ग्रीन से हम फ्लावर को और थोड़ा डिटेल करेंगे। एंड अभी वाइट कलर का यूज़ करके मैं स्क्वायरल की मूंछ को बनाऊंगी। इसी के साथ हमारे स्क्वायरल का ड्राइंग भी खत्म हो चुका है। इफ़ यू वॉन्टेड टू रिक्रिएट दिस पेंटिंग आई वुड रियली लव टू सी योर रिजल्ट। जस्ट टैग मी ऑन इंस्टाग्राम और सेंड मी योर मैसेज। आई विल बी रियली हैप्पी टू सी व्हाट यू क्रिएट एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक फॉर मी ऑल्सो लव टू हेयर इट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।